वहीं गए थे ना? क्यों गए थे? अरे मैं कुछ पूछ रही हूँ, जवाब क्यों नहीं देते? तुमसे कितनी बार कहा कि वहां मत जाया करो, जब जाते हो चार बातें सुनकर आ जाते हो और वहां से आने के बाद मुंह लटका ही रहता है। एक गिलास पानी तो पिला दो। वहां जाए बिना तुमसे रहा नहीं जाता ना। आज ना तुम डिसाइड कर लो कि तुम्हें मेरे साथ रहना है या अपनी फैमिली के साथ। उनके बिना तुम्हारा दिल नहीं लगता ना। तुम खाना लगा रही है, मैं खुद ले लूं। वहां से आने के बाद ऐसे बैठ जाते हो जैसे पता नहीं क्या लूट गया हो तुम्हारा। मुझसे नहीं देखा जाता तुम्हारा ये उदास चेहरा। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता ना, कोई फिक्र नहीं है ना मेरी। पता नहीं ये सब कब तक चलेगा। भगवान के लिए मुझे जीने दो, हाथ जुड़वा लो मुझसे। तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के बीच में पिस गई हूं मैं। नहीं देखा जा रहा मुझसे ये सब, ना तुम मेरी बात सुनते हो ना तुम्हारे घर वाले। कब तक चलेगा ये सब कुछ, आज बता दो मुझे। सुन तो लो कम से कम मेरी बात। सुनो मेरी बात, आज तुम्हें ये फैसला करना ही पड़ेगा, तुम्हारे लिए मैं ज्यादा जरूरी हूं या तुम्हारे घर वाले। मेरे लिए मैं सबसे ज्यादा जरूरी था, जो कि अब नहीं हूं। मैं मरा नहीं हूं, लेकिन ऐसा लगता है कि मेरे जज्बात वो मर गए। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे लिए मैं अपने घर वालों को छोड़ दूं, और मेरी फैमिली को लगता है कि मैं उनके पास वापस आ जाऊंगा। समाज कहता है कि लड़की शादी के बाद पराई हो जाती है, लेकिन जब उसी लड़की से शादी करने के बाद लड़का अपने माँ बाप को छोड़ता है तो वो पराया नहीं होता, बुरा हो जाता है। लड़के को ऐसे दो राह पर लाके खड़ा कर दिया जाता है, जहाँ एक राह बीवी की तरफ और दूसरी राह घर वालों की तरफ। दोनों को साथ लेकर नहीं चल सकता मैं, किसी एक को चुनूं तो दूसरे की नजर में गलत हो जाता हूँ। तुम तो अपने मम्मी पापा से रोज बात करती हो, लेकिन मैं तो अपने घर वालों से अपनी खुशी तक का इजहार नहीं कर पाता हूँ। खुशी तो छोड़ो, मैं तो बात ही नहीं कर पाता हूँ। मुझे पता ही नहीं है कि क्या बात करूं। तुम्हें लगता है कि वो गलत है, उन्हें लगता है कि तुम गलत हो। अरे कोई मुझसे तो पूछे कि कौन गलत है। बेटा सिर्फ शादी तक ही क्यों बेटा रहता है, और बेटी जिंदगी के अंत तक। शादी से पहले तो सब कुछ ठीक था, शादी के बाद ही क्यों सब बदल जाता है? पहले मैं सबके लिए अच्छा था, और अब सबके लिए बुरा हो गया हूं। तुम मुझे कहती हो कि अपने परिवार को छोड़ दो, और अगर यही बात मैं तुमसे कहूं कि अपने परिवार से बात मत करो, तो क्या तुम उनके लिए अच्छी रहोगी? नहीं, बुरी बन जाओगी। बस इसी सिचुएशन में मैं आज हूं। सोचना इस बारे में जरा।